हाई गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल द ट्विस्टेड ऑलिव एंड टूडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर बजट एंड बजटरी कंट्रोल और आज के क्लास के साथ हम लोग का पेपर एट का जितने भी क्वेश्चन हैं बजट एंड बजटरी कंट्रोल के वो सारे क्वेश्चन कम्पलीट हो जाएंगे सो इलस्ट्रेशन नंबर फिफ्टीन देखते हैं इसमें क्या बोला है थ्री आर्टिकल्स एक्स वाई एंड जी आर प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री तो ये जो तीन प्रोडक्ट्स हैं एक्स वाई एंड जी ये लोग जब प्रोडक्शन इन इनका जब प्रोडक्शन होता है किसी फैक्ट्री में तो उस टाइम दे हैव टू गो थ्रू टू कॉस्ट सेंटर्स ए एंड बी मतलब हमें जितना भी कॉस्ट हम लोग इनकर करने वाले हैं वो इन दो कॉस्ट सेंटर्स के ऊपर बेस्ड होंगे फ्रॉम द डेटा फर्निश्ड कंपाइल अ स्टेटमेंट फॉर बजटेड मशीन यूटिलाइजेशन इन बोथ द सेंटर्स हमें अभी क्वेश्चन के लैंग्वेज को देखना है कि इसमें बोल रहा है कि बजटेड मशीन यूटिलाइजेशन मतलब हमें कितने मशीन्स की जरूरत पड़ेगी हाउ मेनी मशीन्स आर रिक्वायर्ड सो यहाँ पे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है फर्स्ट बोल रहा है कि सेल्स बजट फॉर द ईयर हमें दिया है तीनों प्रोडक्ट्स के लिए हमें क्या क्या दिया है एनुअल बजटेड सेल्स गिवन है ओपनिंग स्टॉक गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है जैसे ही हम लोग देख रहे हैं हमें क्वेश्चन में ये तीनों जो इन्फॉर्मेशन या डेटा गिवन है तो हमें क्या निकालना है हमें सबसे पहले निकालना है प्रोडक्शन प्रोडक्शन बजट कितना होगा और हमें ये समझना है कि क्वेश्चन में हमें एक्चुअल में मांगा क्या है हमें मांगा है कि कितने मशीन्स हमें जरूरत पड़ेंगे सो कितने मशीन्स जरूरत पड़ेंगे ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन कितना होगा और प्रोडक्शन कितना होगा वो हमें कैसे पता चलेगा सेल्स बजटेड सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक कैच है कैच क्या है ये जो सेल्स बजट गिवन है दिस इज गिवन फॉर वन ईयर वन ईयर मतलब ट्वेल्व मंथ्स के लिए हमें गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक में बोला है कि एक्स प्रोडक्ट एक्स के लिए जो क्लोजिंग स्टॉक होगा दैट विल बी इक्वी वैल्य टू टू मंथ सेल तो बहुत सारे बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं कि वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये दिया है बजटेड सेल्स फोर एट डबल जीरो और क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है इक्विवेलेंट टू टू मंथ सेल तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाइड बाय टू कर देते हैं इसका डबल क्वांटिटी को इधर डाल देते हैं क्लोजिंग स्टॉक में लेकिन ऐसा नहीं है दिस इज फॉर ट्वेल्व मंथ्स सो फॉर वन मंथ कितना होगा वन मंथ के लिए होगा फोर एट डबल जीरो डिवाइडेड बाई ट्वेल्व दैट विल बी चार सौ यूनिट्स फोर हंड्रेड यूनिट्स So, दो महीने के लिए जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो हो जाएगा 400 हंड्रेड इन क्योंकि ये बोला है दो महीने का सेल तो ये हो जाएगा 800 हंड्रेड आई होप ये वाला आपको समझ में आया दिस इज फॉर 12 मंथस और ये हमें चाहिए कितने महीने के लिए ये हमें चाहिए फॉर टू मंथ्स अब हम लोग प्रोडक्शन बजट निकाल सकते हैं दिस प्लस दिस माइनस दिस अभी नेक्स्ट हमें बोल रहा है मशीन आज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट एक्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें कॉस्ट सेंटर ए में 30 आर्स 30 मशीन आवर्स लगते हैं और कॉस्ट सेंटर बी में हमें कितने मशीन आवर्स लगते हैं सेवेंटी वैसे वाई और जी दोनों के लिए भी हमें ये गिवन है अब हम लोग समझते हैं कि इनकी जरूरत क्यों है हमें पता चल गया कि हम लोग को कितना प्रोडक्शन करना है लेकिन कितने यूनिट्स हमें प्रोडक्शन करना है ये हमें पता चल गया ये कितना होगा प्रोडक्शन हम लोग प्रोडक्ट एक्स के लिए निकाल लेते हैं खुद ये हो जाएगा फोर एट डबल जीरो प्लस ये हो गया हम लोग का सेल्स का अमाउंट और क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा क्लोजिंग स्टॉक होगा सेल्स डिवाइडेड बाई ट्वेल्व इंटू टू यानी कि ये हो जाएगा आठ सौ यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक है हम लोग का छः सौ यूनिट्स सो दिस विल बी माइनस सिक्स हंड्रेड और ये आ जाएगा पाँच हजार यूनिट्स प्रोडक्शन हमें करना है 5000 यूनिट्स का सो so, हम लोगों को कितने मशीनस चाहिए होंगे प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए कॉस्ट सेंटर ए में हमें 30 मशीनस चाहिए होंगे एक यूनिट के लिए तो 5000 यूनिट्स के लिए कितना चाहिए होंगे ऑब्वियसली 5000 30 दिस इज 150000 सो सिमिलरली हमें तीनों प्रोडक्ट्स के लिए चीज निकालना है कि हमें टोटल कितने आर्स चाहिए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है क्वेश्चन में नेक्स्ट बोला है हमें गिवन है टोटल नंबर ऑफ मशीन्स कितने मशीन्स हमारे पास अवेलेबल हैं बोथ इन कॉस्ट सेंटर ए एंड बी ए में गिवन है 284 और बी में गिवन है 256। सो so, टोटल मिलके कितने हैं हमारे पास 540 मशीन्स हमारे पास गिवन है फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है टोटल वर्किंग आवर्स ड्यूरिंग द ईयर ये कितना estimate हुआ है दिस इज 2500 आवर्स पर मशीन ये सब information जैसे ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे ये सब इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली हम यूज करते जाएंगे सोल्यूशन में पहला जो टेबल बनाया है दिस इज फॉर कैलकुलेटिंग द प्रोडक्शन क्वांटिटी जो कि हम लोगों ने देखा था प्रोडक्ट एक्स का कैसे निकालना है सिमिलरली हमें निकालना है प्रोडक्ट वाई एंड प्रोडक्ट जी के लिए उसके बाद हमें क्या निकालना है मशीन यूटिलाइजेशन बजट क्योंकि हमें चाहिए कितने नंबर ऑफ मशीन्स हमें चाहिए हैं तो उसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा कि कितने यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करना है एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितने घंटे लगते हैं एंड लास्टली हमारे पास कितने मशीन्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं सो ये हम लोग का आ गया प्रोडक्शन इन यूनिट्स फिर कितने आर्स लगते हैं एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल मशीनार्स मतलब पाँच हजार यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितने लगेंगे एक लाख पचास हजार मशीनार्स हमें चाहिए होंगे वैसे ही हम लोग तीनों प्रोडक्ट्स के लिए निकाल लेंगे और टोटल uh, हम लोग का आ गया यहाँ पे फॉर कॉस्ट सेंटर ए ये आ गया हम लोग का सेवन लैक्स एंड टेन थाउजेंड अभी हमें पता है कि हमारे पास कितने मशीन अवेलेबल हैं टू एटी फोर मशीन्स फॉर कॉस्ट सेंटर ए तो ये जो टू एटी फोर मशीन्स हैं हम लोग इनको कैसे डिवाइड करेंगे किस रेशियो में हम लोग इनको टोटल मशीन आर्स के रेशियो में एलोकेट कर लेंगे जैसे कि प्रोडक्ट एक्स के लिए कैसे करेंगे प्रोडक्ट एक्स के लिए हमें चाहिए वन लाख फिफ्टी थाउजेंड आर्स वो कितना परसेंट है इसका तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वन लाख फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई सेवन लाख टेन थाउजेंड इंटू टू एटी फोर गया हम लोग के पास कि प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए कॉस्ट सेंटर ए में टोटल हमें चाहिए होंगे और वैसे ही सिमिलरली आप बाकी सबका भी इजीली निकाल सकते हैं कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पेपर एट ये बोल रहा है द मंथली बजट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऑफ अ कंसर्न फॉर टू लेवल्स ऑफ एक्टिविटी आर एज फॉलोज सो यहाँ पे हमें एक कंपनी uh, का दो कैपेसिटी लेवल्स पे जो भी उनका बजट है वो हमें गिवन है एक है सिक्सटी परसेंट पे और एक है हंड्रेड परसेंट पे सो so यहां पर हमें जो बजटेड प्रोडक्शन गिवन है ये है सिक्सटी परसेंट पे कितना कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं सिक्स हंड्रेड सो हंड्रेड परसेंट पे कितने होंगे ऑब्वियसली वन थाउजेंड यूनिट फिर हमें वेजेस का अमाउंट गिवन है फॉर बोथ द कैपेसिटी लेवल्स फिर कंज्यूमेबल स्टोर्स का गिवन है मेंटेनेंस का गिवन है पावर एंड फ्यूल फिर डिप्रिसिएशन और लास्टली इंश्योरेंस का भी हमें गिवन है हमें बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट विच ऑफ द आइटम्स आर फिक्स्ड वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल मतलब ये जो जितने भी हमें आइटम्स गिवन है इनमें से कौन सा कौन सा जो एक्सपेंस है वो फिक्स्ड है कौन सा कौन सा वेरिएबल है और कौन सा कौन सा सेमी वेरिएबल है फिर है प्रिपेयर अ बजट फॉर एटी परसेंट कैपेसिटी सिक्सटी और हंड्रेड परसेंट हमें गिवन है सो हम लोग इजिली एटी परसेंट का बजट बना सकते हैं फिर बोला है फाइंड द टोटल कॉस्ट बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल पर यूनिट ऑफ आउटपुट एट 60 परसेंट एटी परसेंट एंड हंड्रेड परसेंट कैपेसिटी देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये हमें बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कौन सा फिक्स्ड वेरिएबल और सेमी वेरिएबल होगा जिन आइटम्स का भी दोनों कैपेसिटी लेवल्स पर जो एक्सपेंस uh, है वो सेम आ रहा है वो क्या हो जाता है वो हो जाता है हम लोग का फिक्स्ड एक्सपेंस कौन सा कौन सा यहाँ पर सेम आ रहा है ये आ रहा है नहीं आ रहा है ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं ये दोनों हम लोग का आता है क्या फिक्स्ड डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस आ गया हम लोग का फिक्स्ड एक्सपेंस में नेक्स्ट देखते हम लोग वेरिएबल कौन सा है तो हम लोग वेरिएबल चेक कैसे करेंगे हमें पता है वेरिएबल एक्सपेंस कौन सा होता है जो हर कैपेसिटी लेवल के साथ प्रोपोर्शनेटली चेंज होता है मतलब अगर 60% में इतना है तो 100% में इस रेशियो में ही वो चेंज होगा फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग देख लेते हैं वेजेस का वेजेस के है हमें बारह सौ रुपए हंड्रेड रुपीज कितने कैपेसिटी लेवल के लिए सिक्सटी परसेंट के लिए ट्वेल्व हंड्रेड डिवाइडेड बाय सिक्सटी परसेंट तो ये आ गया हम लोग का हंड्रेड परसेंट में कितना होना चाहिए क्या ये गिवन है yes, ये गिवन है सो so, ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा वेजेस आ जाएगा हम लोग का वेरिएबल एक्सपेंस में नेक्स्ट है कंज्यूमेबल स्टोर्स इसका भी वैसे ही हम लोग सिमिलरली चेक करते हैं 900 हंड्रेड इज गिवन फॉर सिक्सटी परसेंट कैपेसिटी लेवल इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे बाय 60 परसेंट आ गया 100 परसेंट क्या ये मैच कर रहा है येस yes, ये हम लोग का मैच कर रहा है अब आता है जो यहां पर सबसे थोड़ा सा ट्रिकी है वो है कि हमें आइडेंटिफाई करना है सेमी वेरिएबल आइटम्स कौन कौन से हैं इनमें से सो so, हमारे पास कौन सा दोनों बच गया मेंटेनेंस एंड पावर फ्यूल ये हम लोग कैसे चेक करेंगे तो so, इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है ये इसका कुछ हिस्सा फिक्स्ड होता है और कुछ हिस्सा वेरिएबल होता है तो so, ये कैसे होता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक दिस इज फॉर सिक्सटी परसेंट कैपेसिटी एंड दिस हंड्रेड परिटी तो यहां से एक सर्टन लेकिन सर्टन लेवल तक जो होता है वो क्या होता है फिक्स होता है दोनों केपेसिटी लेवल पे उसके बाद का जो कैपेसिटी uh, लेवल होता है उसके लिए हमें वेरिएबल चार्जेस पड़ते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग जियो uh, का नेट uh, पैक डालते हैं तो थ्री नाइन्टी नाइन तक वो फिक्स होता है उसके बाद अगर आपका ख़त्म हो जाता है नेट पैक या फिर आपका नेट का जो लिमिट्स है वो बदल जाता है वो अगर आपका ख़त्म हो जाता है तो आप आप क्या करते हैं टेन रुपीज़ या फिर फोर्टी नाइन रुपीज़ का एक एड ऑन पैक डालते हैं तो ये भी सिमिलरली वैसे ही है कुछ पॉइंट तक वो फिक्स्ड रहेगा चाहे आपका कैपेसिटी लेवल जितना भी हो उसके बाद वो क्या होता है चेंज हो जाता है उसके बाद वो एक रेशियो में चेंज होने लगता है सो so, क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशन है पहले हम लोग देख लेते हैं ये मेंटेनेंस के लिए तो so बेसिकली हमें क्या करना है हमें मेंटेनेंस और पावर इन्फल में हमें सेग्रीगेट करना है सेमी वेरिएबल कॉस्ट में कितना हिस्सा फिक्स्ड है और कितना हिस्सा हम लोग का वेरिएबल है सो so, मेंटेनेंस का कितना गिवन है सिक्सटी परसेंट कैपेसिटी पे ये ग्यारह सौ रुपये है और हंड्रेड परसेंट कैपेसिटी पे ये बढ़ जा रहा है पंद्रह सौ रुपये में सो so, ये देखते हैं मेंटेनेंस का सिक्सटी परसेंट पे हम लोगों का छ सौ यूनिट्स प्रोड्यूस होता था उसमें हम लोग का कॉस्ट था ग्यारह सौ रुपये हंड्रेड परसेंट में थाउजेंड यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें हम लोग का कॉस्ट कितना आ जा रहा है पंद्रह सौ रुपये सो so, ये जो चार सौ यूनिट्स का डिफरेंस है ये चार यूनिट्स के डिफरेंस में यहाँ पर भी हमारा चार सौ रुपये का ही डिफरेंस uh, आ रहा है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ये जो पंद्रह सौ रुपए माइनस दिस मच डिवाइडेड बाय मतलब हम लोग के एक्सपेंस uh, में कितना खर्चा हो रहा है डिवाइडेड बाय हम लोगों का नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड में कितना कितना uh, डिफरेंस आ रहा है माइनस सिक्स हंड्रेड ये आ गया फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाय फोर हंड्रेड सो so, यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि रुपीज वन पर यूनिट ये कौन सा है ये है वेरिएबल वाला पार्ट ठीक है तो ये अगर वेरिएबल है तो फिक्स्ड कितना होगा ठीक है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे टोटल है हम लोगों का ग्यारह सौ रुपए ठीक है उसमें से अगर वेरिएबल है रुपीज वन पर यूनिट तो छ सौ छः सौ यूनिट्स के लिए कितने होंगे वो हो जाएंगे छे सौ वेरिएबल कॉस्ट तो ये आ जाएगा हम लोग का जो फिक्स्ड पोर्शन है वो आ जाएगा हम लोग का फाइव हंड्रेड रुपीज सिमिलरली हम लोग पावर एंड फ्यूल का देख लेते हैं इसमें बोला है सिक्सटी परसेंट पे सिक्सटीन हंड्रेड और हंड्रेड परसेंट पे टू थाउजेंड दिस इज अगेन सिक्स हंड्रेड यूनिट्स पे हंड्रेड वन थाउजेंड पे आ रहा है टू थाउजेंड चेंज इन द एक्सपेंस तो बेसिकली हमें क्या देखना है कि अगर यूनिट्स में नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड में चेंज आ रहा है तो उस हिसाब से हम लोग का एक्सपेंस कितना चेंज uh, हो रहा है सो टू थाउजेंड माइनस सिक्सटीन हंड्रेड डिवाइडेड बाई change in output 1000 थाउजेंड माइनस ये आ गया 400 और ये भी अगेन 400 सो पावर एंड फ्यूल के केस में भी ये क्या है वन रुपी पर यूनिट आ रहा है हम लोग का वेरिएबल सो so हम लोग देखते हैं कि 60% पे टोटल कॉस्ट कितना है सोलह सौ और यहाँ पर जो वेरिएबल है वो कितना आ रहा है वन रुपीज पर यूनिट 600 यू, 600 यूनिट्स के लिए हो जाएगा 600 माइनस करने पे आ जाएगा 1000. थाउजेंड so सो ये जो फिक्स्ड uh, वाला पार्ट है ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट में ये आ गया हम लोग का 1000 थाउजेंड रुपीज सेम चीज यहाँ पे हम लोग आंसर में देख सकते हैं यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट मेंटेनेंस का इसने डायरेक्टली कर दिया है 1500 हंड्रेड माइनस इलेवन हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर हंड्रेड सो ये आ गया हम लोग का वन रुपीज पर यूनिट वेरिएबल नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है प्रिपेयर अ बजट फॉर एटी परसेंट कैपैसिटी हमारे पास सिक्सटी और हंड्रेड परसेंट का तो गिवन ही है अब हमें क्या करना है बजट बनाना है एटी परसेंट कैपैसिटी पे एटी परसेंट कैपेसिटी पे आउटपुट कितना होगा ऑब्वियसली एट हंड्रेड यूनिट होंगे सो वेजेस, वेजेस हम लोग देख लेते हैं 600 सौ बनाने के लिए हमें वेजेस uh, में कितना खर्चा करना पड़ रहा है ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज सो ये इसका डबल है तो वेजेस कितना हो जा रहा है टू रुपीज पर यूनिट सी तो ये हो जाएगा एट uh, हंड्रेड के लिए टू uh, रुपीज पर यूनिट हो जाएगा सिक्सटीन हंड्रेड सेम हम लोग वैसे ही कंज्यूमेबल स्टोर्स का भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों वेरिएबल कॉस्ट है डायरेक्ट कैलकुलेशन है फिर जो मेंटेनेंस है मेंटेनेंस को कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे हम लोग पहले जो फिक्स्ड वाला पार्ट है वो प्लस जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो इन रेशियो ऐसे करके हम इसको कैलकुलेट करेंगे मेंटेनेंस का हमने यहाँ पर निकाला कि फाइव हंड्रेड रुपीज़ इसका फिक्स्ड है फाइव हंड्रेड प्लस वेरिएबल कितना है, 1 रुपी so 500, कितना है वन रुपी पर यूनिट मल्टीप्लाइड विथ हाउ मेनी यूनिट्स एट हंड्रेड यूनिट्स सो ये आ जाएगा आठ सौ प्लस आपका फाइव हंड्रेड आ गया टोटल थर्टीन हंड्रेड सिमिलरली पार एंड फ्यूल का कितना होगा वन थाउजेंड है प्लस वन यूनिट वेरिएबल है टू एट हंड्रेड यूनिट सो ये आ जाएगा वन थाउजेंड प्लस एट हंड्रेड आ गया अठारह सो ये दोनों तो फिक्स है इनका तो फिक्सड ही रहेगा थर्ड पॉइंट में बोला है फाइन द टोटल कॉस्ट बोथ फिक्स एंड वेरिएबल पर यूनिट ऑफ आउटपुट एट सिक्सटी एंड हंड्रेड परसेंट कैपेसिटी ओके सो ये यहां पर हम लोग को एक फ्लेक्सिबल बजट बनाना है फॉर ऑल द कैपेसिटी लेवल्स सिक्सटी एट एंड हंड्रेड सबसे पहले क्या निकालेंगे हम ऑब्वियसली फिक्सड कॉस्ट निकालेंगे और वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे सो so, यहाँ पर हमें एक ही छोटी सी चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो अभी हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट निकालने वाले हैं ये वाले फिक्स्ड कॉस्ट में क्या रहेगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट का भी जो फिक्स्ड पोर्शन है वो आ जाएगा ये वाले फिक्सड कॉस्ट में और जो सेमी वेरिएबल का वेरिएबल वाला पोर्शन है वो आ जाएगा ये वाले वेरिएबल कॉस्ट में जैसे कि डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस ये दोनों तो हमें पता है पहले से ही दोनों फिक्स्ड हैं लेकिन ऊपर जो हम लोगों ने अभी निकाला था मेंटेनेंस और पावर एंड फ्यूल का इसका 500 और इसका 1000 थाउजेंड फिक्सड ही है सो इनको भी हम यहीं पर कैलकुलेट करेंगे मेंटेनेंस एंड पावर एंड फ्यूल का यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे यह आ गया टोटल चारों को मिला के आ गया सिक्स थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट में वेजेस और कंज्यूमेबल स्टोर्स ये दोनों तो डायरेक्टली वेरिएबल कॉस्ट हैं तो इनका तो डायरेक्ट कैलकुलेशन है ये हम लोग इजीली निकाल सकते हैं और मेंटेनेंस एंड पावर एंड फ्यूल का हम लोगों ने ऊपर सेग्रीगेट करके निकाल लिया था वन रुपीज पर यूनिट वेरिएबल है और यहाँ पर भी सेम है सो so वैसे ही हम लोग ये यहाँ पर निकाल लेंगे अब हमें हम सिमिलरली 800 और uh, 1000 नंबर ऑफ़ यूनिट्स के लिए भी निकाल सकते हैं बहुत इजी है यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि हमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड द टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट ऑफ आउटपुट फिक्स्ड और वेरिएबल कितना होगा वो भी हमें निकालना है सो so, टोटल तो हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया दिस इज़ वेरी ईजी और वैसे ही हम लोग फिक्सड और वेरिएबल का पर यूनिट कॉस्ट कितना होगा वो भी निकाल लेंगे कैसे निकालेंगे दिस इज वेरी इजी कॉमन सेंस है ये अगर टोटल 600 यूनिट्स के लिए हो रहा है तो पर यूनिट हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाय 600 दिस डिवाइडेड बाय 800 दिस डिवाइडेड बाय 1000 दिस डिवाइडेड बाय 600 ऐसे ही ये इसका पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा सो so यहाँ पर जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो पर यूनिट में चेंज हो रहा है फिक्स्ड कॉस्ट है फिक्स्ड कॉस्ट चेंजेस विथ नंबर ऑफ यूनिट्स और जो वेरिएबल कॉस्ट है ये क्या होता है हम लोग का हर नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ वो चेंज नहीं होता है वो सेम रहता है सो so ये आपका एम में आ सकता है सो so इस क्वेश्चन के साथ खत्म होता है हम लोग का बजट एंड बजटरी कंट्रोल फ्रॉम पेपर नंबर एट आई होप आप लोगों को ये जो दोनों क्वेश्चंस हम लोगों ने आज किए ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आने वाले क्लासेस में हम लोग पेपर टेन का जो शायद दो या तीन क्वेश्चन हैं फ्रॉम दिस चैप्टर वो भी हम लोग कर लेंगे कंप्लीट कर लेंगे इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू my चैनल द ट्विस्टेड ऑलिव एंड शेयर इट with योर फ्रेंड्स